वेलकम बैक टू अराउंड द किचन। इस वीडियो में हमने रेडीमेड चॉकलेट को मोल्ड में डाल के रीशेप किया है। आप इसे घर में किसी भी फ्लेवर में आसानी से बना सकते हैं और अपना एक छोटा सा बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक हार्ट शेप का मोल्ड लिया हुआ है। ये सिलिकॉन मोल्ड है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में नीचे दिया है। आज हमने यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज किया है। डार्क चॉकलेट को हम इस तरह से पीसेस में काटेंगे ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में नीचे डाल के रखा है। आपको किसी भी जनरल स्टोर में भी आसानी से मिल जाएगा। अब डबल बॉयलर मेथड से हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। हम आज डार्क चॉकलेट और कॉफी फ्लेवर का चॉकलेट बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने इसमें हाफ टी स्पून कॉफी पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट या कोई भी फ्लेवर ऐड करके चॉकलेट बना सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद हम इसे डबल बॉयलर से निकालेंगे और मोल्ड में थोड़ा करके डालेंगे। मोल्ड में चॉकलेट डालने के बाद हम इस तरह से एक बार इसे टैप करेंगे ताकि हमारा चॉकलेट इसमें लेवल हो जाए। इसे हम फ्रीजर में 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे जब तक ये सेट ना हो जाए। सेट होने के बाद हम इसे निकालेंगे और आप देख सकते हैं सिलिकॉन मोल्ड से कितनी आसानी से निकल जाता है। हमारा हार्ट शेप चॉकलेट रेडी है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं और घर से ही अपना छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन या किसी भी स्टोर से चॉकलेट रैपर्स भी मिल जाएंगे। आप इस चॉकलेट्स को रैप करके भी अपना एक सेटअप चालू कर सकते हैं।